नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुआ आस्था का महापर्व छठ, व्रतियों ने तोड़ा 36 घंटे का उपवास। प्रशासन की अपील को नजरअंदाज करना पड़ा महंगा, सिद्धगोड़ा और मानगो में चोरों ने किया लाखों के गहने व रुपयों पर हाथ साफ, घर के लोग गए थे नदी घाट। और बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम की एक झलक पाने शहर के युवा हुए बेकाबू, जॉन अब्राहम ने अपनी फिल्म बनाना की सफलता की कामना की। अब खबरें विस्तार से। उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य के साथ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ का समापन हुआ। अर्घ्य के बाद छठवर्तियों ने प्रसाद ग्रहण कर 36 घंटे का उपवास तोड़ा। शनिवार मुंह अंधेरे ही श्रद्धालुओं का तांता विभिन्न छठ घाटों की ओर लगा रहा। पौ फटने से पूर्व ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। विभिन्न नदी तटों पर एक बार फिर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ छठ गीतों की गूंज, महंगी सूप और पूजन सामग्री नजर आ रही थी। विशेषकर व्रतधारियों का उत्साह उपवास के बावजूद देखने योग्य था। पौ फटते ही जैसे ही उदयमान भगवान भास्कर का दीदार हुआ, अर्घ्य देने का सिलसिला आरंभ हो गया और हर तरफ भक्ति श्रद्धा आस्था का माहौल दर्शनीय रहा।
उधर कदमा स्थित नील सरोवर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं व्रतियों ने उदयीमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। अधिकांश श्रद्धालुओं ने नील सरोवर में व्यवस्था के लिए विधायक बन्ना गुप्ता को साधुवाद दिया। कदमा नील सरोवर में शनिवार को मुंह अंधेरे ही श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा रहा। देखते ही देखते हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुट गए। सभी को उदयीमान सूर्य के दर्शन का इंतजार था। जैसे ही भगवान भास्कर उदय हुए, हजारों हाथों ने एक साथ अर्घ्य दिया। घाट में व्यवस्था उत्तम थी और विधायक बन्ना गुप्ता खुद श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान रख रहे थे। अधिकांश श्रद्धालुओं ने विधायक द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष जताया। जो भी साफ सफाई देख रहे हैं, जो भी सुंदरता देख रहे हैं, वो सब हमारे जमशेदपुर पश्चिम के विधायक श्री बन्ना जी गुप्ता के द्वारा संभव हो सका है। हम उनके सदा आभारी रहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। छठ हम लोग बहुत दूर से आते थे यहाँ, बन्ना जी के गुप्ते के चलते हम लोग बहुत अच्छे से छठ पूजा कर पा रहे हैं उन्हीं के विधायक से। मतलब कहीं कोई घाट में नहीं मिलेगा। इस घाट में बहुत फैसिलिटी है, अच्छा है, सब चीज फैसिलिटी है। हेलो, सब घाट का साफ सफाई, मेल तालाब का सौंदर्यीकरण, ये मिल से मान्य श्री जिन्हें इसको बनवाया है, हम लोग उनके बहुत आभारी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा घाट बनाया है और लोगों को इससे काफी सुविधा हुई। भैया गुप्ता के सौजन्य से ये नील तालाब के ऊपर जो छठ व्रत के लिए जो है व्यवस्था किया गया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सौम्य है, बहुत स्वच्छ है, बहुत सारे बहुत अभी यहाँ से लोगों को छठ व्रत करने के लिए नदी जाना पड़ता था जो दूर पड़ता था, अब तो एकदम निकट ही जो हो गया है नील तालाब के ऊपर, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है और उनके सौजन्य से किसी को तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है। बन्ना गुप्ता की तरह इधर पूरा गंदगी था, साफ सुथरा अभी अच्छा चल रहा है, लाइट वगैरह लगा हुआ है, बच्चों को खेलने का जगह भी है, उसके बाद पानी में पौधा खोलो को लगा हुआ है, चाय पानी का व्यवस्था है। छठ घाट पे आए मानो भक्तजनों से आग्रह है।
आस्था के महापर्व छठ के उपलक्ष्य में हम लोग एक शिविर लगाए हैं और शिविर के माध्यम से यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं उनको हम लोग सेवा कर रहे हैं और चाय का व्यवस्था किया गया है और यदि किसी भी तरह का उनको दिक्कत हो उनका हम यहाँ सेवा के लिए पूरे कार्यकर्ता कौन सा घाट है ये तुम्हारी घाट सुनारी का अभी उगते हुए सूर्य की उपासना होगी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसी के क्रम में सारे श्रद्धालु भक्तजन जुटे हैं बहुत बेसब्री से भगवान सूर्य की प्रतीक्षा में है इसी भगवान सूर्य का उदय होगा सारे लोग उनको अर्घ देंगे और ये बहुत पवित्र पर्व है बहुत धूमधाम पवित्रता के साथ और उत्साह उमंग के साथ इस पर्व को सभी लोग मना रहे हैं हम आपके माध्यम से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं भगवान सूर्य जिस तरीके से अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगाते हैं उसी तरह भगवान सूर्य हम सब में उन्नति और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करें। अगली खबर है जहां सिद्धगोड़ा में चोरों ने एक आवास में घुसकर जेवर और नगद रुपयों पर हाथ साफ कर दिया मकान मालिक के मुताबिक लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के जेवर चले गए प्रशासन ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया था कि छठ पर्व के दौरान अर्घ देने नदी घाटों में जाने के लिए पूरे घर को खाली ना छोड़े मगर कई लोगों ने लापरवाही दिखाई जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा सिद्धगोड़ा 28 नंबर रोड में सचिन कुमार के आवास में पीछे से उस समय चोर अंदर घुसे जब पूरा परिवार सुबह का अर्घ देने घाट गया था घाट से लौटकर उन्होंने देखा कि अलमारी से करीब 80,000 कैश और लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के जेवर गहने गायब हैं। बजे करीब छठ के लिए पूजा के लिए घाट के लिए निकले थे उसका बाद पूजा करके आए वहाँ से 9 बजे करीब तो घर पे देखे कि पूरा पीछे से कूद के अज्ञात कोई चोर हमारा पूरा घर का सोना और कैश लेके चोरी निकल कैश लेके चल गया कितना का होगा सामान सामान करीब कैश 80,000 रुपया करीब था और सोना चांदी सब मिला के करीब 7.5 लाख का करीब था उधर मानगो संकोसाई रोड नंबर 1 में विजय कुमार के आवास में भी चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे करीब 4 लाख मूल्य के गहने चुरा लिए मानगो संकोसाई रोड नंबर 1 के रहने वाले विजय कुमार का परिवार सुबह का अर्घ देने नदी घाट गया था लौटने पर उन्होंने पाया कि ग्रिल का ताला टूटा पड़ा है और अलमारी में रखे 4 लाख के जेवर गायब है देखिए सब पूरा टोटल कागज पत्र अंदर जो भी सब कुछ था देखिए सब खुला हुआ है सब पूरा सामान को पूरा बिखार दिया परसों से जितना हाथ मत लगा छोड़ सब ऐसी है सब खोल खोल के निकाला हमने छठ का समय था हम लोग सब सारा कोई हम लोग निकल गए सुबह 5 बजे छठ अर्घ देने के लिए घर से जब लौट के आ रहे हैं तो घर में देख रहे हैं कि सब ताला उला टूटा हुआ अलमारी टूटी हुई देखिए सारा किस चीज को है सारा गहना गेटो पैसा नगद ये सब लेकर चले गया है कितना गया लगभग कम से कम वही 3.5-4 लाख का संपत्ति है कौन सा जगह ये संकोसाई रोड नंबर 1 हरि मंदिर शहर के युवाओं में जॉन अब्राहम का क्या क्रेज है इसका अंदाजा उस समय लगा जब शूटिंग स्थल लॉयला स्कूल के बाहर उनका जमावड़ा देखा जॉन के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों भूखे प्यासे गेट के बाहर खड़े रहे और लगातार चिल्लाते रहे लॉयला स्कूल के भीतर फिल्म की शूटिंग में जॉन अब्राहम व्यस्त थे और बाहर उनकी एक झलक पाने को हजारों फैंस बेताब थे जॉन ने हालांकि उन्हें इंतजार जरूर करवाया मगर उन्हें निराश नहीं किया और खुद गेट तक चलकर गए उनका अभिवादन किया और ऑटोग्राफ भी दिया
साथ ही बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम ने कहा कि उनकी फिल्म बनाना लोगों को पसंद आएगी और वे इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। वे शनिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम ने कहा कि कई ऐसे फिल्में बन रहे हैं जो लीक से हटकर हैं और उन फिल्मों को सफलता भी मिल रही है, जैसे भाग मिल्खा भाग, विक्की डोनर, मद्रास कैफे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी फिल्म बनाना को भी लोग पसंद करेंगे। वे स्थानीय लॉयला स्कूल में शूटिंग में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। आज हमारी जो तीसरी प्रोडक्शन है वो साजिद अली की फिल्म है बनाना। हमने यही सोचा कि उसको जमशेदपुर में बेस करें और इसको लॉयला स्कूल में बेस करें, क्योंकि साजिद जो है स्कूल के एक स्टूडेंट हैं, रह चुके हैं, तो सब्जेक्ट बहुत ही प्यारा था और एक अलग किस्म की फिल्म है। जैसे हमने विक्की डोनर भी बनाई, जो बहुत एक अलग किस्म की फिल्म बनाई, उसके बाद मद्रास कैफे जो एकदम ही एक अलग जानर थी, तो हमने यही सोचा कि एक अच्छी फिल्म बनाए। लेकिन कमर्शियल फिल्मों के बीच में इस तरह एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाना रिस्क नहीं लगता है? तो नहीं, जो मेरी दो पहली फिल्म थी वो कमर्शियली थी, बहुत बिजनेस करे उन्होंने, और जो कमर्शियल बनी थी उसके आसपास वो सब फेल हो गई, तो वो एक्सपेरिमेंटल बन गई, ये कमर्शियल। तो मुझे लगता है कि अलग किस्म की फिल्म करना बहुत जरूरी होता है, ये साझेदारी। एंड यही होता है कि जो फिल्म कॉमर्स करे, जो फिल्म पैसे बनाए, और मेरे लिए बनाना एक एक बहुत ही कमर्शियल फिल्म है। मैं भी हूँ और मैं शूट कर रहा था। आई बिलीव साजिद इज अ सुप्रीम टैलेंट, बहुत ही टैलेंटेड है, और आई एम श्योर ही इज अ डायरेक्टर ऑफ द फ्यूचर, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने नहीं देखा, मैंने पूरा लाइनअप देखा है जो हमने कल शूट करा था। सो द होल लाइनअप इज एब्सोल्युटली वंडरफुल और वे वेरी एक्साइटेड। हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं, एक्साइटेड हैं, और फिल्म हम लोग बहुत ही क्लियर है, जिस तरीके की फिल्म हम लोग बनाते हैं वे वेरी क्लियर कि हमारी फिल्म बहुत ही अलग है। प्लस टू जो होता है, खास करके जब पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब आजकल तो कोविड हो गया, जब कोविड नहीं था तो सिर्फ बॉय स्कूल था 10th स्टैंडर्ड तक, तो प्लस टू में लड़की आती थी, तो वो दो सालों की जर्नी है, एक लड़के के थ्रू हम उसको देखते हैं, उसकी कहानी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की 8 सदस्यीय टीम शहर में है। शनिवार को टीम के सदस्यों ने MGM अस्पताल में जाकर पूछताछ व पड़ताल की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने शनिवार को MGM कॉलेज व MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। हालांकि कैमरे पर उन्होंने कुछ भी कहने से परहेज किया, मगर जानकारी मिली है कि टीम का निरीक्षण MGM अस्पताल की मान्यता को लेकर पिछले दिनों उठे सवाल के कारण किया गया। बहरहाल टीम के सदस्यों ने अस्पताल के लगभग हर विभाग का जायजा लिया। Kitchen, the ground floor. Yeah. So you can have a look and laundry. Okay, fine. We'll see. Okay. We have two libraries. The department and the central. Totally.
ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड फेडरेशन के सदस्यों ने शनिवार को जुबली पार्क में एक बैठक की, जिसमें पेंशन रिव्यू समेत अन्य मामलों पर चर्चा हुई। ऑल इंडिया बैंक रिटायर्ड फेडरेशन के सदस्यों की बैठक जुबली पार्क में हुई। सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों ने बैठक में पेंशन पर चर्चा की। उनका कहना है कि रेलवे व अन्य सरकारी संस्थाओं में हर साल पेंशन रिव्यू किया जाता है, जिसमें डीए यानी महंगाई भत्ता का लाभ पेंशन भोगियों को मिलता है, मगर उन्हें इस लाभ से वंचित रखा गया है। सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी का संगठन ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन का, हम लोग जमशेदपुर यूनिट के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो विभिन्न बैंक से रिटायर किए हैं। हम लोग रिटायरीज लोग जो आज देश के आर्थिक हालात या जो भी बैंक की स्थिति है उसमें हमारा योगदान भी रहा है, इस बात को सरकार नज़रअंदाज कर रहे हैं और हम रिटायरीज लोग पूरे देश में अपने को संगठित करके हमारा जो मांग वगैरह है वो उसके साथ हमारा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक बेहतर हमारे भविष्य प्रजन्म के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे वो के खिलाफ रोड एक्सीडेंट जो है जो ये सब बढ़ रहा है उसके खिलाफ और डिफरेंट टाइप का सामाजिक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और संत शिरोमणि जलाराम बापा की 214वीं जयंती के उपलक्ष में गुजराती समाज के लोगों ने धूमधाम से उत्सव मनाया और कलश यात्रा निकाली। संत शिरोमणि जलाराम बापा की 214वीं जयंती के अवसर पर बिष्टपुर गुजराती सनातन समाज से एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल गुजराती समाज की 315 कुमारियां पारंपरिक वेशभूषा में थी। नगर संकीर्तन लगभग 2 घंटे तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमा और इसकी समाप्ति वापस गुजराती सनातन समाज में हुई। और संत जलाराम बापा की जयंती के मौके पर कदमा गणेश पूजा मैदान में समाज के लोगों द्वारा राज डांडिया का आयोजन किया गया। कदमा गणेश पूजा मैदान में आयोजित राज डांडिया में गुजराती समाज की महिलाओं के अलावा सुप्रसिद्ध गायिका श्रद्धा दास भी मौजूद थे। Oh, 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 oh